मस्ती में ही लेते हो। ओ काका। अरे यार, ये सिगरेट भी खत्म हो गई है। चल मैं और सिगरेट लेके आता हूँ। जा लेके आ। यार कभी कभी ऐसा लगता है अगर ये सिगरेट नहीं होती तो हम जैसे को क्या होता। सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, मगर ये जरूर पता है कि क्या नहीं होता। क्या बोल रही है तू? कैंसर। अच्छा तो ये बता, जो लोग सिगरेट नहीं पीते उसे कैसे होता है कैंसर? रुक मैं बताती हूँ। अरे तुम जैसे लोगों ने इतना हवे में जहर घोल दिया है कि हर बेकसूर इंसान इसका शिकार हो रहा है। एक को चुप किया तो दूसरी चालू। ए साइंस की स्टूडेंट तू चुप यार। और ए भाई तू मुझे सिगरेट लानी थी ना, जा यार लेकर आ। हाँ यार मैं लेके आता। मैं अपने नहीं देने वाला। चाचा तू सिगरेट देना। मैं अब सिगरेट नहीं बेचता। अरे यार मजाक मत करो, दो ना प्लीज। नहीं सच में अब मैं सिगरेट नहीं बेचता। क्यों? जब से अपने छोटे भाई को कैंसर की बीमारी से मरते हुए देखा है तब से मैंने फैसला किया कि अब सिगरेट नहीं बेचूंगा। तुम्हें पता है वो भी तुम्हारी तरह बहुत सिगरेट पीता था। तुम्हें पता है उसकी शादी को एक साल भी पूरे नहीं हुए थे। उसकी गलती की सजा उसकी बीवी को भुगतनी पड़ रही है। अरे यार तेरा तो धंधा है ना, अगर तू सिगरेट नहीं बेचेगा तो अपने घर वालों को कैसे पालेगा? मैं अपने अकेले के परिवार के लिए हजारों परिवारों को बर्बाद नहीं कर सकता, और हो सके तो तुम भी सिगरेट पीना छोड़ दो। अपने लिए ना सही, अपने परिवार वालों के बारे में जरूर सोचना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये वक्त संभलने का मौका किसी किसी को देता है, और ये मौका तुम्हारे पास है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी तुम्हें संभलने का मौका नहीं देगी।